हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले की कड़ियां सोलन जिला से पहले ही जुड़ी हुई थी। अब इसमें नया खुलासा हुआ है। नालागढ़ से 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये चारों युवक टॉपर्स हैं। लिखित परीक्षा में इनके 69 से 73 तक अंक आए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नालागढ़ के इन 4 युवकों ने 5-5 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे। इन चारों से पूछताछ की गई। पुलिस ने इनसे भी कई प्रश्न पूछे जिनके ये उत्तर नहीं दे पाए। इनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं, तो इन्हें ये भी पता नहीं था। दूसरा सवाल था कि मिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इनका जवाब था मंडी। युवकों ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब गलत दिए। गहन पूछताछ के बाद चारों ने कबूल किया है कि वो पेपर लीक मामले में संलिप्त रहे हैं। सोलन पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोलन पुलिस के SP वीरेंद्र शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मार्च को हुई थी। 26 मार्च को इन्हें दलाल अपने वाहनों में हरियाणा ले गए। एक होटल में ले जाकर लीक हुआ पेपर पढ़ाया, उसे रटाया, उसके उत्तर भी रटाए गए। इसके बाद इन्हें वापस नालागढ़ ले जाया गया। आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इनका रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने पर कड़ी पूछताछ होगी। पैसे के लेन देन की सूचना को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही इनके और परिजनों के बैंक खाते खंगाले जाएंगे। अब मामले में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 24 हो गई है। पुलिस दलालों की तलाश में जुटी हुई है। जल्दी जांच के लिए टीमें अन्य राज्यों में भेजी जाएंगी। सोलन पुलिस जिला के उन सभी अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है जिनके लिखित परीक्षा में 60 और इससे अधिक अंक आए हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।